अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। अब आइए आज की चंद अहम खबरें जो कि राष्ट्र सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं, उन्हें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तलबा के जहन पर असर नहीं पड़ने देंगे। कर्नाटक के वज़ीर तालीम का स्कूली निसाब पर नज़रसानी का इशारा। बेंगलुरु कर्नाटक के नए प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम के वज़ीर मधु बंगारप्पा ने मंगल को इशारा दिया कि आने वाले दिनों में तलबा के मफाद में स्कूल की निसाबी किताबों पर नज़रसानी की जा सकती है। हालांकि उन्होंने हिजाब पर से पाबंदी हटाने पर तबसरा करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मामला अदालत में है। उन्होंने लोगों से कौमी तालीमी पॉलिसी को ख़त्म करने के हुकूमती मंसूबे पर जवाब का इंतज़ार करने को कहा। बीजेपी हुकूमत के दौरान स्कूल की निसाबी किताबों में तब्दीलियां की गई थी। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में स्कूल की निसाबी किताबों में की गई तब्दीलियों को वापस लेने का वादा किया था। पार्टी ने NEP को ख़त्म करने का भी वादा किया था। बंगारप्पा ने कहा कि मैं कांग्रेस की मंशूर कमेटी का नायब सदर था और हमने मंशूर में वाजह तौर पर कहा था कि तलबा के मुस्तकबिल के मफाद में निसाबी कुतुब में तरमीम की जाएगी। हम नहीं चाहते कि उन तलबा का जहन आलूदा हो। यहाँ नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि तलबा स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और हम इसमें कोई खलल नहीं चाहते, और इस सिलसिले में हुकूमत या मुझसे या अफसरान का या निज़ाम की तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमने अहद किया है। उन्होंने कहा कि कल से शुरू होने के लिए निसाबों को कुछ हद तक भेज दिया गया है। अब हमारे सामने चैलेंज है, ये है कि हम तलबा और उनकी पढ़ाई को मुतासर किए बगैर इसका ख्याल कैसे रखेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की रहनुमाई में मंशूर की अज़्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आला सिद्धारमैया ने पीर को कहा था कि ग्रंथों और पाठों के ज़रिए बच्चों के जहनों को आलूदा करने के अमल को माफ़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि तालीमी साल शुरू हो गया है, हम बात करेंगे और कार्रवाई करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई में खलल न पड़े। वज़ीर आला ने कहा था कि तालीम के शोबे में NEP के नाम पर मिलावट नहीं होने दी जाएगी। इस हवाले से एक बार फिर अलाहिदा इजलास बुलाया जाएगा ताकि इस पर जामिया बहस की जाए और सख्त फैसले किए जा सकें। बंगारप्पा ने कहा कि वो पहले ही वज़ीर आला के साथ बातचीत कर चुके हैं और वो महकमा में चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए एक टीम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं अभी इस बारे में ज़्यादा इंकशाफ नहीं कर सकता। काबिना का इजलास 1 जून को होने जा रहा है और उस दिन उनके लिए और मालूमात शेयर करने के लिए चीज़ें शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। पिछली हुकूमत के दौरान निसाबी किताब पर तनाज़ा हुआ था, तब अपोजिशन कांग्रेस और कुछ मुसन्निफीन ने टेक्स्ट बुक रिव्यू कमेटी के उस वक्त के सरबराह रोहत चक्रतीर्थ को बरतरफ करने का मुतालबा किया था, जिसमें RSS के हाई RSS के बानी केशु बलिराम हेडोवर की तकरीर को एक बाब के तौर पर शामिल करके इसको
निसाबी किताबों का मुबैना तौर पर भगवत किरण कर रहे थे और मुजाहिदीन आज़ादी वो समाजी मुसल्लिहीन जैसी मुमताज़ शख्सियत के अबवाब को हज़फ कर रहे थे। अच्छा तो अभी इजाज़त इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।